मिडिल क्लास इंडिया में हमेशा मिडिल क्लास ही रहेगा दोस्तों। और अनफॉर्चुनेटली एक फेमस कोट है कि कुत्ते की मौत मरेंगे। अगर आपको बुरा लगा तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये वीडियो में हार्ड रियलिटी स्टडी करेंगे कि मिडिल क्लास क्यों रहता है। बहुत रेयरली वो रिच क्लास और अल्ट्रा रिच क्लास में जा सकता है। राजू का घर 1950s के ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की याद दिलाता था। और अब एक और जीरो कम कर लो तो ये तुम्हारी फैमिली इनकम है राजू। और देखो क्या है कि अच्छी बात है तुम्हें पता है दैट यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास। आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे रीजंस बताऊंगा कि मिडिल क्लास ये ट्रैप में क्यों रहता है, और उसके बाद 5 सॉल्यूशंस आपको दूंगा कि ये ट्रैप को तोड़ के मिडिल क्लास, रिच क्लास और पावरफुल क्लास में कैसे जा सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जय श्री राम, जय जिनेंद्र। मैं हूं आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटर बसेश गाला। ये चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए जिसके कारण आप एक राइस प्रेनियर बन पाओगे, रिद्धि सिद्धि अपने बिजनेस में अट्रैक्ट कर पाओगे। पहले समझते हैं कि मिडिल क्लास का इंडिया में डेफिनेशन क्या है। जिसका फैमिली एनुअल इनकम 6 लाख से 18 लाख के बीच में है वो मिडिल क्लास है। यानी महीने का जो फैमिली 50,000 रुपया कमाता है या 1.5 लाख रुपया तक, जहाँ पे सभी फैमिली मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, वो मिडिल क्लास होता है। नंबर 1 रीजन मिडिल क्लास पिसता जाता है, और उसका सिंपल आंसर है टैक्सेशन। टैक्सेशन पॉलिसी ऐसा है, आप सरप्राइज हो जाओगे कि भाई मुकेश अंबानी इंडिविजुअली 1 रुपया इनकम साल का दिखाता है, सिर्फ 1 रुपी सैलरी लेता है और उसके ऊपर टैक्स कितना भरता रहेगा। लेकिन हमारे मिडिल क्लास यूजुअली जॉब करते हैं जहाँ पे उनका जक मार के टैक्स काट के हाथ में पैसे आते हैं। दूध लेना है, बिस्किट लेना है, रेस्टोरेंट पे जाना है, GST, हर जगह GST, टैक्सेशन, पेट्रोल की ड्यूटीज, वो उनके इनकम को खा जाता है और हाथ में कम सेविंग्स आता है। सेकेंड बिगेस्ट रीजन इज घर, होम। एक होम ओन करने की चाहत हर इंडियन में रहता है। बड़े शहर में और Tier 1, Tier 2 सिटी में रियलिस्टिकली एक घर की कीमत 1 करोड़ तो इजीली हो गई, और वो भी आपको शहर से बहुत दूर विद कम एमिनिटीज घर मिलेगा। अब 1 करोड़ के घर पे अगर 30 साल का इंटरेस्ट लोन लिया उसने तो 80,000 से 90,000 EMI आ सकता है। और यही मैथमेटिक्स अगर कोई स्मार्ट इंसान रहता तो वो घर को रेंट पे लगा सकता, बैलेंस अमाउंट वो इन्वेस्टमेंट में डालता तो वो 12%, 15%, 18% रिटर्न्स दे सकता है, और 10 साल में वो कॉर्पस से वो घर खरीद सकता है। लेकिन ये घर का सपना, ये फैमिली का प्रेशर के खुद का घर होना चाहिए, उसमें उसकी कमर टूट जाती है। थर्ड रीजन, इंस्टाग्राम रील शो ऑफ करना। अरे हमको तो स्टाइल आता है बाबू, इसके कारण वो पिट जाता है और लाइफ को EMI में कन्वर्ट कर देता है। चौथा रीजन, मिडिल क्लास खत्म हो जाता है, और वो है द बिग फैट इंडियन वेडिंग। इंडिया आगे जा रहा है लेकिन वेडिंग पे खर्चा करने का प्रेशर कम नहीं हुआ। फिफ्थ रीजन, आज इंडिया में सेविंग्स कल्चर डिप्लीट हो रहा है। EMI चला गया, सब चला गया, लेकिन सेविंग्स नहीं है और रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। और जब एक बैड इवेंट आता है, रिस्की इवेंट आता है, जहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस अप टू मार्क नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस अप टू मार्क नहीं है, विल अप टू मार्क नहीं है, सेविंग्स भी खत्म हो जाते हैं ये इवेंट में। एक फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में गया तो आदमी अपना घर बार बेच देता है, क्योंकि उसको इंश्योरेंस, रिस्क मैनेजमेंट और सेविंग का आइडिया नहीं था। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट का नॉलेज लेना, राइट हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस लेना और 5%, 10% अपने इनकम का सेविंग पूल रखना, लिक्विडिटी, कैश फ्लो रखना, ये मिडिल क्लास नहीं करता। स्पेंड करता है होम लोन और EMI के चक्कर पे और बर्बाद हो जाता है। सिक्स्थ रीजन, पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग। मिडिल क्लास को मालूम ही नहीं कहाँ पे इन्वेस्ट करना। जो अपॉर्चुनिटी आलिया भट्ट को मिला नायका में इन्वेस्ट करने के लिए, जो अपॉर्चुनिटी शिल्पा शेट्टी को मिला मामा अर्थ में इन्वेस्ट करने के लिए, वो अपॉर्चुनिटी तो मिडिल क्लास को मिलेगा नहीं। मिडिल क्लास को बेचारा अपना बैंकर बोलता है कि सर ये FD कर दो, FD में आपका पैसा सेफ रहेगा। बेचारा FD कर देता है और FD से रिटर्न इतना मिलता है जो इन्फ्लेशन को बीट भी नहीं कर सकता। और सेवेंथ रीजन है क्विक ग्रोथ, ग्रीड, कि हमें भी फटाफट बड़ा बनना है। और इसके लिए ड्रीम 11, बेटिंग एप्स, स्कैम में मिडिल क्लास शिकार बन जाता है और उसकी सेविंग्स निकल जाती है या तो वो और लोन ट्रैप में फंस जाता है। तो ये 7 रीजंस के कारण मिडिल क्लास बेचारा मिडिल क्लास ही रहता है। तो हमने एनालाइज तो किया, लेकिन इसके सॉल्यूशंस क्या है? डोंट वरी भाई साहब, आपका ये बिजनेस ग्रोथ मेंटर आपको सॉल्यूशन देगा।
पांच स्टेप्स अगर आप इंप्लीमेंट करते हो, फॉलो करते हो, तो आप मिडिल क्लास से रिच पावरफुल राइस क्लास में आ जाओगे। पहला, सेविंग्स इज सेक्सी, फ्रूगल बनना इज कूल, शो ऑफ करने का छोड़ दो, वो प्रेशर निकाल दो। दुनिया के सबसे अमीर आदमी जो सबसे चहीते हैं रतन टाटा, वो सिंपल लाइफ जीते हैं। आप भी सिंपलिसिटी को अपनाओ, बजट रखो। सेकेंड रूल, कोई भी चीज़ आपको आपके लाइफ में लेना है, चाहे वो गाड़ी हो, महंगे कपड़े हो या वेकेशन, जो 3x फॉर्मूला को फॉलो करना। 3x फॉर्मूला का मतलब, अगर मुझे 15 लाख की गाड़ी लेनी है, क्या मेरे पास 45 लाख रुपीस का एसेट या वेल्थ है? 3 times क्या उसका मैं पे कर सकता हूँ? अगर मेरी औकात उसको 3 times लेने की आज नहीं है, तो वो डिसीजन को डेफर कर लो, या तो रेंट पे गाड़ी ले लो, या तो छोटी गाड़ी लो। ये स्टेप आपको बर्बाद होने से, EMI चक्कर से बचा देगा। थर्ड, हार्डवर्क करो और मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम को बनाओ। मिडिल क्लास एक ही स्ट्रीम ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट होता है, या तो छोटा बिजनेस या तो जॉब। और जब इकोनॉमी हिल जाता है, जॉब छूट जाता है, बिजनेस डाउन हो जाता है, तो वो और हिल जाता है, क्योंकि उसके पास लिक्विडिटी सेफ नहीं है। फोर्थ, सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट बोल रहा हूँ दोस्तों, और वो सीक्रेट का नाम है पैसिव इनकम। ये सब अमीरों के पास है कि वो काम करे कि नहीं करे, हर महीने उनके हाथ में 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख आ जाता है। और पैसिव इनकम को बिल्ड करो, फ्रूगैलिटी करके, सेविंग्स करके, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम करके एक बजट बनाओ, और वो बजट से वेयरहाउस, कमर्शियल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, ऐसे इन्वेस्टमेंट खड़े करो जो ऑटोमेटिकली हर महीने आपको लिक्विडिटी और कैश फ्लो दे। और फिफ्थ स्टेप, अच्छे मेंटर्स को रखो, प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करो, जो आपका टैक्स, रिस्क और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करे, जो आपको सीक्रेट्स दे, अच्छे अपॉर्चुनिटीज दे, जिसके कारण आपका टैक्स बर्डन कम हो, आपके पास राइट इंश्योरेंस हो, और आप राइट अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करो, जिसके कारण आपका पैसिव इनकम और पेंशन बड़ा हो सके। ये वीडियो मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिसके कारण वो रिच क्लास और पावरफुल क्लास में आ सके। और अगर आपको लाइफ में राइज करना है और रिद्धि सिद्धि चाहिए, तो कीप फॉलोइंग बसेश गाला।